नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और खुश हैं। देखिए बच्चों, हम हमारी क्लास में ग्रामर के कुछ टॉपिक्स क्लियर कर रहे थे। आपको पता है कि हमारी जो भाषा है उसका मेन आधार क्या होती है, हमारी ग्रामर। तो ग्रामर के जो बेसिक्स हैं वो हमने क्लियर किए थे। भाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है, साथ साथ हमने जाना कि व्याकरण के मूल जो है वो क्या है, व्याकरण के मूल आधार क्या है, वर्ण, शब्द और वाक्य। हमने वर्णों की जानकारी प्राप्त की, वर्ण विच्छेद के बारे में जाना, वर्ण कितने प्रकार के, सब कुछ जाना। तो ग्रामर का बेसिक क्लियर करने के बाद अगर हम रीडर पे आते हैं और रीडर का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। रीडर का फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रियतम। प्रियतम का अर्थ क्या होता है, प्रियतम का अर्थ होता है जो सबसे अधिक प्रिय हो, जो सबसे अधिक प्यारा हो, सबसे अधिक अच्छा लगता हो, यानी सबसे अच्छा जो लगता है उसे हम प्रियतम कहते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं सबसे पहले इस जो पोयम है, ये जो कविता है, इसके कवि के बारे में। देखिए इसके जो कवि हैं हुए सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका नाम, जो बैट नेम था वो था निराला, अर्थात निराला के नाम से वो कविताएं लिखते थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को, यानी 1896 को बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के सभ्रांत परिवार में हुआ था। सभ्रांत यानी, सभ्रांत परिवार यानी अच्छे परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम छंदमुक्त काव्य की रचना की, अर्थात इन्होंने हिंदी में ये बताया कि सभी जगह हिंदी में जो काव्य लिखे जाते हैं वो छंदों से युक्त होते हैं। देखिए इन्होंने कैसी रचनाएं की, छंदों से मुक्त रचनाएं की, जिनमें छंद नहीं होते ऐसी रचनाएं इन्होंने की। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त उपन्यास, कहानियां, आलोचनाएं, निबंध और संस्मरण भी लिखे। निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती आदि, और कहानी है लीली, चतुरी चमा आदि। 15 अक्टूबर 1961 अर्थात 15 अक्टूबर 1961 को इनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास अर्थात इनका निधन हो गया। देखिए इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 में, और इनका जो देवासन हुआ, इनका जो निधन हुआ वो हुआ 15 अक्टूबर 1961 में। आज की जो हमारी कविता है इसके कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए इन्होंने लिखी है प्रियतम कविता। प्रियतम कविता पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं, ताकि जब हम कविता पढ़ें, कविता समझें, तब जो कठिन शब्द हैं उनको हमें ध्यान रखें, और उनको ध्यान रखते रखते हम चैप्टर को अच्छे समझ सकें। देखिए पहला शब्दार्थ है पुण्यश्लोक। पुण्यश्लोक अर्थात यशस्वी पात्र, ऐसा व्यक्ति तो यश का पाधारी हो, यानी यश धारण करता हो, यशस्वी हो, वो होता है पुण्यश्लोक। प्रधान, प्रधान का अर्थ होता है प्रमुख। परीक्षा अर्थात योग्यता की परख, आपके भी एग्जाम होते हैं, आपको पता है वो एग्जाम्स क्यों होते हैं, ताकि आपकी परख हो सके, हम ये जान सके कि जो आपको ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान में आपने कितना सीखा है, तो वो परख होती है आपकी योग्यता की। स्मरण अर्थात याद, चकरा गए अर्थात आश्चर्य चकित हुए। तेल का अर्थ होता है पूर्ण तेल से भरा, तेल यानी जिसमें तेल ही तेल भरा हो। प्रदक्षिणा का अर्थ होता है परिक्रमा, द्रुत लक्ष्य, लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर, एकदम आप द्रुत लक्ष्य होकर अपने एग्जाम की तैयारी करो, द्रुत लक्ष्य होकर अपने लक्ष्य को देखो, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करोगे, ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य की ओर देखना। और पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण। अब देखिए वैकुंठ का अर्थ होता है बच्चों विष्णु लोक, उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता, अवगत का अर्थ होता है मालूम, हमें पता है इस बात का। ईष्ट अर्थात आराध्य देव, हमारे आराध्य देव कौन है, जैसे जयपुर के आराध्य देव कौन है, श्री गोविंद देव जी। शंकित का अर्थ होता है किसी चीज में संदेह होना, किसी चीज में शंका होना। उत्तरदायित्व अर्थात जिम्मेदारी, किसी चीज की जिम्मेदारी किसी को देना। प्रियतम अर्थात सबसे अधिक प्रिय, बताया था मैंने चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी, जो सबसे अच्छा लगता है उसे हम प्रियतम कहते हैं। और लज्जित का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, किसी बात से क्या होना, शर्मिंदा होना। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करता है, यानी ईश्वर ने जो भी कार्य दिए है व्यक्ति को, यदि वो निष्ठा पूर्वक उन कार्यों को करता है तो वो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है।
भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म को करते हुए ईश्वर के नाम का स्मरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर भगवान का नाम लेते रहे, अपने सारे कामों को छोड़ दें, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति कहते हैं कि जो आपके निश्चित कर्म है, जो कर्म ईश्वर ने आपके निर्धारित किए हैं, वो कर्म करें आप, और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी करें। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करता है और दिन में केवल 3 बार अपने इष्ट देव के मधुर नाम का स्मरण करता है। यानी भगवान ने किसे अपना सबसे प्रियतम माना, सबसे प्रिय भक्त किसे माना, जो क्या करता है, दिन भर अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता है। जो संसार में आया है उसके सांसारिक कर्तव्य जो ड्यूटीज है उसकी, उनका पालन करता है, साथ ही साथ चाहे दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 1 बार कितनी बार ही ले, पूरी श्रद्धा से अपने ईश्वर का नाम लेता है, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करता है। वही होता है ईश्वर का सच्चा और प्रिय भक्त। देखिए इसमें स्टेटमेंट है थॉमस मुलर का, निर्मल अंतःकरण की सर्वोत्तम ईश्वर है। यानी आपका जो साफ मन है ना, स्वच्छ मन, वही क्या है, हमारा सबसे बड़ा ईश्वर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्युलोक में कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा भगवान। एक दिन विष्णु भगवान के पास कौन गए थे, नारद जी गए थे, और नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि मृत्युलोक में अर्थात यहाँ पर पृथ्वी लोक में पुण्य श्लोक सबसे यशस्वी पात्र, सबसे अच्छा व्यक्ति भक्त तुम्हारा सबसे मुख्य भक्त कौन है। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है। विष्णु भगवान ने कहा कि एक अच्छा किसान, सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति, प्राणों से भी प्रियतम है मुझको वो, उसकी परीक्षा लूंगा। परीक्षा कौन ले रहा है, नारद जी। नारद ने कहा मैं परीक्षा लूंगा उसकी, क्योंकि आपका तो प्रिय भक्त मुझे होना चाहिए, आप किसान है मृत्यु लोक में आपका प्रिय भक्त, तो वो कैसे, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, विष्णु भगवान को हंसी आ गई, कहा ले सकते हो परीक्षा विष्णु, क्योंकि देखिए हम आपको पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि आप उस परीक्षा के योग्य हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो इस जैसे बनता है कि जो ज्ञान हमने आपको दिया है वो आपने डेफिनेटली लिया होगा, डेफिनेटली गेन किया होगा, और आप उस पेपर को अच्छे से कर लेंगे, तो हम पूरे विश्वास से देते हैं ना वो पेपर आपको एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे विष्णु भगवान ने भी पूरे विश्वास से रात से कहा जाओ ले लो परीक्षा, मुझे पता है कि मेरा भक्त प्रियतम वही रहेगा। अब क्यों कहा भगवान विष्णु ने, ये पूरे विश्वास के साथ ये आप देख लिए। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ, नारद भगवान चले गए और भक्त के यहाँ पहुंचे, देखा हर जोत कर आया वह दोपहर को दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। हर जोत कर दोपहर को वो आया, तब भी दोपहर में अपने खेतों में हल जोत रहा था, फिर वह घर आया और घर में घुसने से पहले दरवाजे पर ही उसने राम जी का नाम लिया, अपने ईश्वर का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर, फिर नहाया, उसने खाना खाया, उसके बाद वो फिर चला गया अपने काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। जब वो शाम को अपने सारे कार्य को करके आया तो दरवाजे पर उसने फिर अपने आराध्य अपने इष्ट भगवान का नाम लिया। प्रातः चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया, और जब मैं सुबह उठा और उठकर जाने लगा अपने काम पर, तब उसने फिर अपने ईश्वर का नाम लिया। अर्थात उसने ईश्वर का नाम कब लिया, जब वो दोपहर को आया था नहाने और खाना खाने के लिए, तब उसने ईश्वर का नाम लिया। शाम को जब वो सारे काम करके आया दरवाजे पर, फिर उसने ईश्वर का नाम लिया, और सुबह वापस जाता दरवाजे पर ही उसने अपने ईश्वर का नाम लिया। बस केवल 3 बार नाराज जी चकरा गए, नाराज जी को चक्कर से आने लग गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि 3 बार नाम लिया प्रियतम भक्त हो गया ऐसा कैसे, मतलब मैं तो दिन भर नारद नारद नारायण नारायण करता रहता हूँ, फिर भी भगवान ने मेरा नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ 3 बार लिया, तो आश्चर्य की बात तो होगी ना कि भाई कैसे भगवान ने उसका नाम ले लिया, और भगवान ने मुझे भेज भी दिया जाओ परीक्षा ले आओ, इतना विश्वास है भगवान को इस पर, देखते हैं क्या होता है। किंतु भगवान को किसान ही गया यार, उसने कहा कि ये तो बड़ी बात है, 3 बार नाम लिया फिर भी भगवान को एक किसान याद रहा। गए विष्णु लोग, वापस विष्णु भगवान के पास पहुंचे, उनके लोक में बोले भगवान से देखो देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम लिया उसने, और भगवान से बोले उसकी कंप्लेन की कि भगवान उसने सिर्फ तुम्हारा 3 बार ही नाम लिया था। बोले विष्णु नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है। विष्णु भगवान बोले नारद जी एक दूसरा बहुत अर्जेंट वर्क आ गया है, बहुत जरूरी काम आ गया है, तुम छोड़कर कोई और तुम्हें छोड़कर उस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता है। यानी अब इन पर भी विश्वास लगा दिया कि मुझे विश्वास है तुम ही ये काम कर सकते हो, कोई दूसरा मेरा ये काम नहीं कर सकता है।
समझो इस बात को, यानी भगवान ने पहले उस किसान पर विश्वास दिखाया कि उस किसान की परीक्षा लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, मुझे पता है वो अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा। अब भगवान नारद से कह रहे हैं कि तुम्हारे अलावा इस काम में कोई कर्मकर्ता जो अर्जेंट वर्क आया है ना अभी अभी जस्ट, उसको तुम्हारे अलावा कोई और नहीं करेगा। ये साधारण विषय है, बाद में विवाद होगा, ये तो बहुत साधारण सा टॉपिक है जिसमें प्रियतम कौन सा भक्त और वो प्रियतम क्यों है, तीन बार नाम लिया फिर भी, तो नॉर्मल सी बात है। जो अर्जेंट वर्क आया है वो करो, इस पर हम विवाद बाद में करेंगे, इस पर जो वाद विवाद होगा हमारा जो भी बातचीत होगी वो बाद में होगी, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कर लो। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। तेल से पूर्ण पात्र, तेल से भरे हुए पात्र को लेकर प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा लगा के आइए पूरे भूमंडल की, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आनी है। और ये तेल से भरा हुआ पात्र दे रहा हूँ आपको, ध्यान रहे इसे विशेष खास तौर तभी सका, खास तौर पर इस बात का ध्यान रहे कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरनी चाहिए इससे। अब भगवान ने क्या काम दिया उनको कि तुम्हें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि इस तेल से भरे हुए पात्र से एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, ये बहुत जरूरी काम है, तुम्हारे सिवा इस काम को कोई भी नहीं कर सकता है। भाई लेकर चले नारद जी आज्ञा पर दत्त लक्ष्य, नारद जी चले अपने कार्य को लेकर और आज्ञा थी अब उनके विष्णु की, उनके ईश्वर की, उनके आराध्य की, और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित था बिल्कुल कि भूमंडल की परिक्रमा लगानी है लेकिन एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए। इतने कॉन्सेंट्रेशन से वो ये काम कर रहे थे। देखो आप, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं, योगी राज जल्द ही विश्व पैटर्न करके लौटे बैकुंठ। अब योगियों के राजा है वो तो नारद भगवान, तो नारद जी आए और बैकुंठ लोग अर्थात विष्णु लोक में पहुंचे और विष्णु भगवान को कहा तेल की एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मानने वाला था और बड़ी प्रसन्नता से आए थे कि मैंने जो ईश्वर ने जो मुझे काम अर्जेंट वर्क दिया था ना आवश्यक कार्य वो मैंने पूरा कर दिया है पूरी निष्ठा के साथ, एक बूंद भी तेल की जमीन पर नहीं गिरी है, तो मैंने काम तो कर दिया, अब उस बात की चर्चा होगी जो पहले नहीं थी। चलिए बड़े खुशी खुशी आए, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत हो या नया, और ये सोचकर कि तेल का क्या रहस्य है ये भी पता लग जाएगा हमको नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया, नारद जी आए विष्णु भगवान ने उनको बिठाया, बड़े प्यार से कहा यह उत्तर तुम्हारा यही आया, तुम्हारा जो उत्तर है तुमको यही मिल गया, बताओ अब बताओ क्या पूछ रहे विष्णु भगवान से। पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया, जब तुम इस तेल से भरे हुए पात्र को लेकर जा रहे थे और पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे थे तुमने कितनी बार अपने इष्ट देव का नाम लिया था, भाई बताओ जरा। विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा कि जब तुम इस तेल से भरे हुए पात्र को लेकर जा रहे थे और तुमने पूरी परिक्रमा लगा के आ गए, अपना पूरा काम बड़े खुशी खुशी आयो, मुझे ये बताओ कि तुमने अपने आराध्य का नाम कितनी बार लिया है, बताओ कितनी बार लिया। तो देखिए एक बार भी नहीं, बड़े उससे कहा रोग से, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा एक बार भी नहीं लिया मैंने तो। शंकित हृदय से नारद कहा, नारद ने विष्णु से बड़ी शंका से कि उन्हें कुछ संदेह हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस वक्त काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, अब काम तो आपने दिया था ना, नारद कह रहा है विष्णु से ये काम तो आपने दिया था कि तेल के एक बूंद भी नहीं गिरने चाहिए, पृथ्वी की परिक्रमा में लगनी चाहिए, तो काम तो आपका ही था, तो ध्यान तो सिर्फ आपके काम पे लगा रहा कि आपके काम में कमी नहीं होनी चाहिए मेरी, नाम फिर क्या लेता, फिर नाम लेने क्या जरूरत थी, जब आपका ही काम कर रहा हूं तो नाम लेने क्या जरूरत है। विष्णु ने कहा नारद वह किसान भी बिया दिया हुआ ही काम कर रहा है, किसान भी किसका काम कर रहा है जो भगवान ने उसके लिए निश्चित किया है, अपने परिवार को पालन पोषण करना, अपने परिवार की सार संभाल करना किसका काम है, जिसका परिवार है उसका काम, और वो किसने दिया है उसे ईश्वर ने, तो ईश्वर ने जो किसान को काम दिया है वह का काम भी किसान कर रहा है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी लेता है, उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, उसको परिश्रम भी करना है, उसको सारे काम भी करने हैं, घर की जिम्मेदारी भी संभालनी है, बालक को जो उसके बच्चे उनका पालन पोषण भी करना है, अपने घर परिवार को भी देखना है, और फिर भी वह नाम भी लेता है मेरा, वो भी तो मेरा काम कर रहा है, फिर भी मेरा नाम ले रहा है ना, किसी से है प्रियतम, इसीलिए है वो मेरा सबसे प्यारा। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है, और नारद जी एकदम लज्जित हो गए, एकदम शर्मिंदा हो गए, सच कह रहे हो ईश्वर आप,
कि आपके दिए हुए काम को ही कर रहे हैं सब, जो आपने निश्चित किया है उसी काम को आप, मैं, सब लोग, जो ईश्वर ने हमारे निश्चित किया उसी काम को कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर का नाम भी ले रहे हैं। तो प्रियतम कौन है? जो अपने उत्तरदायित्व का पालन करे, अपनी जो अपने कर्म है उनका निष्ठापूर्वक पालन करे और साथ ही साथ अपने इष्ट, अपने आराध्य को भी याद करे, चाहे दिन में एक बार याद करे सच्चे मन से, लेकिन अपने ईश्वर को याद करे, वही क्या है ईश्वर का सबसे सच्चा और प्यारा भक्त। तो ये चैप्टर में डिस्कस किया, इस चैप्टर को हमने पढ़ा समझा, आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखा गया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे कर्म क्या है, वो सब आपको इस चैप्टर ने सिखाए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाए। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।